वहां पर तो उसका फायदा नहीं हो रहा, अगर फायदा नहीं हो रहा तो फिर फायदा तो किसी को नहीं हो रहा। हमारी परवाह कहाँ है उनको, हम तो बैटल ग्राउंड है जी। हमारा यरगमाल रहना उस जहन के लिए लाजमी है, उस जहन की ये सोच है कि इनको भी यरगमाल रखना है। फाटा पे जंग हो रही है, खैबर पख्तूनख्वा में स्पिल ओवर हो रहा है और बाकी सिलसिला ठीक ठाक है। अब उसमें हम जितने मरे, मसलन 56,000 कुछ के करीब लोग मारे गए, जिसमें 52,000 या 51,000 खैबर पख्तूनख्वा और फाटा के थे, और इसके बदले पाकिस्तान को बड़ी इमदाद भी नहीं। कुछ इमदाद कैश की शक्ल में आई, CSF फंड की शक्ल में, कुछ कैरी लोगर बिल के शक्ल में, कुछ ट्रांजिट जो सहूलियात मिली फ्रेंच लोन्स वो सिस्टम में, टोटली $75 बिलियन थी। $75 बिलियन में से $2200 बिलियन यानी $22 बिलियन ये कैश थे। उनमें से हिसाब लगाएं, अगर एक रुपया भी खैबर पख्तूनख्वा और फाटा को आया हो वो कहीं और चला गया। तो अगर अगर हमारा दर्द तो अगर कोई महसूस करता तो वो ये पॉलिसियां ना बनाता। हम तो उस पॉलिसियों का हमारा शिकार होना, विक्टिम होना लाजमी है। आप फरमा रहे हैं कि बैटलफील्ड बन गया KPK का पूरा सूबा, और KPK में अब माइनॉरिटी गवर्नमेंट है तरीके इंसाफ की, और वो नारा लगा रहे हैं कि ना सिर्फ वो नया पाकिस्तान क्रिएट करेंगे बल्कि वो KPK में भी पता नहीं हर चीज़ बेहतर कर देंगे, फाइनली दूध की नहरें बन वहाँ पे बह जाएंगी। क्या सूरत ग्राउंड रियलिटी पे आपको नज़र आती है? हम तो पख्तूनख्वा उलसी तहरीक के हवाले से सियासी पार्टियों के ख़िलाफ़ बात नहीं करते, और अभी हम ईद के से एक दिन पहले इमरान खान और रेहम खान से मिले भी थे। हकीकत तो ये है कि इससे पहले भी एक ऐसी हुकूमत आई थी MMA। हर हुकूमत के आने के से पहले पाकिस्तान में तो इलेक्शन भी ऐसे हैं कि पहले एक माहौल बना दिया जाता है। प्री पोल रिगिंग तो बहुत बड़ा टर्म है, यानी उसमें पहले माहौल बनाया जाता है, फिर उसके बाद मोहरे हिला दिए जाते हैं, फिर उसके बाद वोट के दिन जो होता है, फिर वोट के नतीजे के दिन जो होता है, यानी ये सारी चीज़ें होने के बाद और दूसरों को तोड़ा जाता है, जो अनवांटेड है उनको तोड़ दिया जाता है या उनको मना कर दिया जाता है। अब इस दफ़ा तो सिर्फ दो सियासी पार्टियां जलसे कर सकती थी, बाकी तो जलसों की इजाज़त ही नहीं थी। तो उसमें इलेक्शन हो गए, चले ठीक है, ये भी कबूल है। MMA के भी कबूल थे, MMA इस्लाम लाना चाहती थी, नहीं आया।